बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है। ऐसा कहना है धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि धीरूभाई का वास्तविक नाम धीरज लाल गोवर्धन दास अंबानी है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। हाई स्कूल में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, धीरूभाई का मानना था कि पैसे से पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दुनिया में एक पढ़ा लिखा इंसान ही पैसे कमा सकता है। कुछ सालों तक घूम घूम कर पकौड़े बेचने के बाद सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने भाई रमणिक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडेन शहर काम करने चले गए। एडेन पहुंचकर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप पर काम किया, फिर कुछ दिनों बाद उसी कंपनी में क्लर्कियल पोस्ट पर 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम करने लगे। वह अपने दिन भर के काम के बाद भी कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करते रहते थे, जिससे उनके साथियों में उनके पास सबसे ज्यादा पैसा था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा, और बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। कई जगहों पर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने दायित्व को पूरा किया। इसीलिए काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उनका प्रमोशन एक मैनेजर की पद पर कर दिया। लेकिन थोड़े दिन उस काम को करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया और अपने वतन हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर धागे के आयात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और यह सूती के मुकाबले लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण पुराने होने के बाद भी यह नया जैसा दिखाई देता था। और लोगों द्वारा पसंद किए जाने की वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन धीरूभाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते उन्होंने समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए। आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरूभाई के कंपनी में 90,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और भारत में उनकी कंपनी आज भी टॉप पर है। दोस्तों, अगर समय की मांग के अनुरूप आपने अपने आप को ढाल लिया ना, तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने दुनिया से विदा ली। लेकिन उनके स्वभाव और विनम्रता की वजह से वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। धीरूभाई का कहना है, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत एक सक्षम राष्ट्र है और हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डर नहीं लगता। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।